अरे मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे मत छोड़ना है करो, भाई ने देख लिया तो बहुत मसला बन जाएगा। अरे ये दीन किस लड़की के साथ घूम रहा है, पूछता हूँ जाके इससे। अच्छा अच्छा अब गुस्सा तो ना हो, तुम ऑटो पर धक्के खाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता ना यार। ये तुम्हारा प्यार भी ना किसी दिन मरवा ही देगा। अच्छा दीन ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। अरे रानिया ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा तुम अब यहाँ से जाओ, ये ना हो कि कहीं भाई देख ले। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ ये तो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कौन थी? भाई वो मेरी क्लास फेलो थी। मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजता हूँ तो तुम किन कामों में पढ़ चुके हो? भाई वो बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। क्या ये तुम्हारी उम्र है शादी करने की? तुम पहले पढ़ाई करो, इन कामों को बाद में देख लेंगे। भाई बात यह है कि मैं इस लड़की को मना नहीं कर सकता, अगर मैंने उसको मना कर दिया तो वो मर जाएगी। मारी ना जाए छोटे, ये सब झूठ होता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता और हर किसी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। अरे नहीं भाई ये ऐसी लड़की नहीं है और मुझे पक्का पता है अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो ये पक्का मर जाएगी। छोटे जब लड़कियों पर घर वाले प्रेशर डालते हैं ना तो ये प्यार व्यार सब भूल जाती हैं और इनको अपनी पड़ जाती है। भाई अगर मैं आपके कहने पर इसको छोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगी। छोटे तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ, तुम बस मेरी एक बात मानो, उसके बाद देखो ये तुम्हें कैसे छोड़ के भागती है। तुमने बस करना ये है। हाँ दीन क्यों बुलाया मुझे इतना जल्दी जल्दी? रानिया मैं काफी दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें बात कैसे बताऊं। दीन क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुम क्यों इतना परेशान हो? देखो रानिया, अदीम रानिया के भाई ने तुम दोनों को पार्क में बैठे देख लिया और वो इसी साइड पे आ रहे हैं, अगर जान बचानी है तो तो, तो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अदीम मेरे भाई मुझे जिंदा मार देंगे, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे भाई मुझे कुछ ना कहे। देखो रानिया मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहां पर भाई को सारी बात बता देंगे, हो सकता है कुछ हो जाए। भाई 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 प्लीज मुझे बचा ले, मेरी जान बहुत खतरे में है। छोटे सब ठीक तो है ना, और ये बताओ ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? भाई ये मेरे साथ बहुत प्यार करती है और ये मुझसे शादी करना चाहती है। छोटे तुम घबराए हो क्यों? इसके भाई ने हमें पार्क में बैठे हुए देख लिया और मुझे लगता है कि वो इसको जान से मार डालेंगे। प्लीज भाई कुछ भी करें मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। जो काम तुमने किया ना तुम्हारे भाई को तुम्हें मार ही देना चाहिए। अरे भाई मैं बोल रही हूँ ना कि आप मुझे बचा ले, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, एक बाप और एक भाई एक लड़की को खुशियां देने के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है और वही लड़की अपने बाप और अपने भाई की इज्जत कैसे खाक में मिला सकती है? तुम्हारी जान बच सकती है और तुम मुझे ये बताओ कि अपनी जान बचाने के लिए क्या तुम अदीम को छोड़ सकती हो? भाई अदीम तो क्या, अब मुझे कुछ ही बोले मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस सब मुझे बचा ले। अरे रानिया तुमने तो मेरे साथ जिन्हें मरने की कसम खाई है और मुश्किल वक्त आया तुम हाथ छुड़ा के भाग रही हो। देखो अदीम मुझे सबसे ज्यादा अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है, शायद मैं भटक गई थी, मुझे सब काम करने से पहले एक दफा सोच लेना चाहिए था। पर रानिया हम भाग कर शादी कर सकते हैं। बस अदीम बस ये अब नामुमकिन हो चुका है कि मैं अपने बाप और भाई की इज्जत खाक में मिला दूं, मुझे माफ कर देना। पर रानिया तुम्हारा भाई तुम्हें जान से मार देगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे गोली मारे या सूली पर लटका दे। वैसे अदीम मुझे खुशी हुई एक लड़की को तुम्हारी वजह से अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल आ गया।